हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमे। सामने आप देख रहे हो किया सोनेट का HTK+, और वो भी 2022 वाला वेरिएंट। अब 2022 वाले वेरिएंट में क्या नया आ गया क्या नहीं आया वो तो चलो बताऊंगा ही आगे, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा बिकने वाला सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वेरिएंट है ये। अगर कीमत की बात करें तो भाई ये पड़ता है आपको आज के समय में जो नई प्राइसिंग है नए अपडेट्स के साथ 10,35,000 रुपये। ये बात हो रही है डीजल की, ये अपने सामने समय डीजल ही है। अब डीजल में ज़्यादातर आपने देखा होगा ना, मैं ज़्यादा डीजल पे ही हाथ रखता हूँ। पेट्रोल वेरिएंट भी यहाँ खड़ा है लेकिन मैं डीजल पे ही क्यों कर रहा हूँ। प्राइसिंग भले ही थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन भाई जो फील होता है ना और जो माइलेज का सेटिस्फेक्शन होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो कुल मिला के 10,35,000 डीजल HTK+ की प्राइसिंग है। और बात करें अगर पेट्रोल की, पेट्रोल में आता है 1200 cc वाला इंजन, वो भी 4 सिलेंडर ही है, तो उसकी प्राइसिंग हो जाती है 9,05,000 रुपये। मतलब करीब करीब 1,30,000 रुपये का पेट्रोल और डीजल में एक शोरूम का फ़र्क है। ये बात हो गई एक तरफ। अब बात आती है आखिर गाड़ी में ऐसा इस वेरियंट में है क्या क्या। सबसे पहली चीज़ आप लुक देखो इसका, लुक बहुत फेमस है। और साथ के साथ इस मतलब सब 4 मीटर वाली गाड़ी है यार, ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV, उसमें आपको अच्छी खासी चौड़ाई मिल जाती है 1790 mm, जो भाई क्रेटा की चौड़ाई है ना बैठता है वो इसमें आपको मिल रही है। और उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस, मैं भाई पहले ही ग्राउंड क्लियरेंस बोल दे रहा हूँ, मैं साइड प्रोफाइल पे जाने का वेट ही नहीं कर रहा क्योंकि वो सबसे तगड़ी USP है। इससे ऊपर फिर कौन सी आती है भाई, नेक्सॉन लीडर होती थी, उसका 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। भाई इसका 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कमाल ही कर दिया, सबको बीट कर रखा है। तो बात करें विड्थ की, विड्थ बता दी आपको 1790 mm, टाइगर नोज टाइप की आपको ग्रिल मिल रही है पूरी की पूरी डिज़ाइन के साथ। क्रोम एलिमेंट तो यहाँ पर है ही पूरा का पूरा, और साथ में जो ग्रिल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर की, पूरी ग्लॉसी ब्लैक है। ये देखो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और देखो कहीं भी आपको पैसेज नहीं है हवा पास होने के लिए, भाई ज़रूरत ही नहीं है, यही काम कर जाता है नीचे का, यही एयर डैम का काम करता है पूरा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर छोटी सी गैपिंग है और एक कहाँगे ये यहाँ पर बस, यही हॉर्न वॉन की आवाज़ के लिए बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बात आती है यहाँ पर हेडलैम्प के लिए, यहाँ मिल जा रहा है आपको हेलोजन बल्ब इंडिकेटर के लिए, और उसके साथ सिंगल बाउल है, रिफ्लेक्टर अंदर हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, वही लो एंड हाई बीम के लिए काम करता है। पायलट लैंप छोटा सा है। थोड़ी सी पर्सनल फीलिंग है इसमें, इस वेरिएंट में जो DRL है वो दे देनी चाहिए, भले जो हमारे हेडलैम्प है वो ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो मांगने को तो इसमें भी LED मांग सकते हैं, लेकिन इसमें DRL दे देनी चाहिए थी क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना, जिस हिसाब से लुक है, अंदर भी जो सामान लगा हुआ है गाड़ी में, उस हिसाब से थोड़ा सा ये पीछे रह जाता है बस। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिल जाता है, वो भी पूरा का पूरा क्रोम हाउसिंग के साथ। तो भाई ये है पूरी कहानी फ्रंट की। फ्रंट बहुत चमकदार लगता है, सारी चीज़ें चमक वाली हैं, जहाँ भी आपको ब्लैक एलिमेंट दिख रहा है वो सारा का सारा ग्लॉसी ब्लैक है। क्रोम आपको इतनी बड़ी टाइगर नोज ग्रिल है, नीचे आपको ग्लॉसी ही सिल्वर ये स्किड प्लेट मिल रही है, देख रहे हो पूरा ये जो आपको डिज़ाइन मिल रहा है पूरा ग्लॉसी सिल्वर है। ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है, जो ग्रूव्स हैं हमारे बोनट में ये काफ़ी एग्रेशन इसे दे देते हैं। तो ये हो गई कहानी सामने से। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ जो दिख रहा है आपको व्हील मिल जाते हैं यहाँ पर 215/60R16, 16 इंच के हैं, और अंदर डिस्क ब्रेक आपको दिख रही है। व्हील कवर इस तरह से आते हैं, और ये भाई व्हील कवर ही हैं, ये देख रहे हो, ये देखने में लगता है अलॉय व्हील है लेकिन भाई फ्लैक्स व्हील जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है ये, ठीक। अंदर नॉर्मल रिम जो होता है स्टील रिम वही है, ठीक है। क्लैडेड एरिया पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। व्हील बेस अगर देखते हैं तो इसमें मिल रहा है आपको 2500 mm का, क्योंकि सब 4 मीटर है, इतना ही मिलना है, उम्मीद थी वही है। तो भाई 2500 mm का इसमें ये मिल रहा है। और बात करें लेंथ की तो 3993 mm इसमें लेंथ मिल जाती है, और कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, लेकिन बताने को फैंसी चीज़ें बहुत बच रही हैं अभी। इंडिकेटर मिल जाता है आपको यहीं पर ही ORVM के साथ, क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, और भाई इसमें देख रहे हो बटन यहाँ पर मिल रहा है, मतलब रिक्वेस्ट सेंसर है। चाबी जेब में ही रहनी है भाई, चाबी नहीं निकालनी आपने, सीधा जेब में ले जाओ और यहाँ पर दबाओ, खोलो और अंदर जाके बटन दबा दो, बिल्कुल पुश स्टार्ट बटन है। तो इस तरह का पूरा विंडो एरिया है। यहाँ देखते हैं ब्लैक आउट बी पिलर हैं, उसके साथ यहाँ पर छोटा सा क्वार्टर ग्लास मिल जाता है पूरे ग्लास एरिया को बड़ा रखने के लिए, और अंदर भी थोड़ा बहुत भाई मदद कर ही देता है रोशनी वगैरह, जो अपना क्वार्टर व्यू होता है ना, क्वार्टर विजन, वहाँ ये रोशनी जब मिलती है तो हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, जो पीछे वाले बंदे बैठने वाले होते हैं उनको बहुत मदद करता है ये। यहाँ देखते हैं तो भाई इस तरह से मिल जाती है आपको रूफ रेल सिल्वर कलर में। और क्या बच रहा है, और साइड व्यू में कुछ है नहीं, बाकी सारी चीज़ें हो गई, लेंथ हो गई अपनी, व्हील बेस हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, 211 mm लीडिंग है, और सारी चीज़ हो गई साइड व्यू में। अब आ जाते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर व्यू आपको मिल रहा है कुछ इस तरह से, यह बीच में किया लिखा हुआ है, और भाई इसमें डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर नहीं मिलता, कैमरा यहाँ पर मिल रहा है, और भाई गाइडलाइन के साथ है बिल्कुल, स्टेयरिंग काटते हैं गाइडलाइन मूव होती हैं, सोनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं भी आपको डीजल है या वेरिएंट कौन सा उसकी बैजिंग नहीं मिलेगी, वो भाई आपको ज्ञाता बनना पड़ेगा पूरा डिटेलिंग, तब आप देखते पहचान सकते हो। पीछे भी आपको बड़ी सी जैसे आगे मिलती है वैसे पीछे भी स्किड प्लेट सिल्वर ग्लॉसी में, और बड़े बड़े आपको मिल जाते हैं इस तरह से रिफ्लेक्टर, और दो ही पॉइंट मिल रहे हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर ये,
ठीक है। और टेल लैंप की बात करें, ये हो गया हैलोजन में इंडिकेटर, ये हो गया रिवर्स लैंप और ये हो गया स्टॉप लैंप, ठीक है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है और वही छोटा सा मिनिएचर अपना ये हो गया स्पॉयलर, इसमें इंटीग्रेटेड है। ऊपर आपको जरूर मिल जा रहा है ये रहा शार्फिन एंटीना। तो इस तरह से पूरी की पूरी प्रोफाइल हो जा रही कंप्लीट। अब बात आती है यहाँ की, मतलब टंकी की। टंकी कितनी है तो भाई इसमें टैंक कैपेसिटी है इसकी 45 लीटर की, 45 लीटर की डीजल है और 45 लीटर की कैपेसिटी मिल जाए तो कहने क्या, क्योंकि माइलेज भाई कंपनी बताती है 24 प्लस की, क्या बात है। अब इसके साथ भाई 1000 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, बहुत सही। अब आते हैं भाई इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर के लिए सबसे पहले चाहिए चाबी। चाबी मैंने बताया वैसे चाहिए नहीं आपको, जेब में रहेगी, लेकिन दिखती कैसी है, दिखती है भाई ऐसी चार बटन वाली है बिल्कुल। ये हो गया लॉक, हो गए अपने फोल्ड, पों पों वाली फीलिंग, और भाई ये हो गया अनलॉक। और इस बटन को दबा के रखते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो होल्ड वाला, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल भाई रिमोटली, और साथ में ये अपना होल्ड इसको दबा के रखेंगे यहाँ पर, तो ये अपना बूट जो है अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया चारों बटन, और भाई अब क्या करते हैं एक बार इसको लॉक ही करते हैं। ये हो गया अपने फोल्ड, और देखना अब यहाँ से दबाया, ये हो गया अनलॉक, सीधा जेब में रखे चाबी। इस तरह से दिखेगा अपन को डोर ट्रिम। डोर ट्रिम कहीं ना कहीं जो सेल्टॉस का अपना बेस आता है ना, इंटीरियर उसी के टाइप का है, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक कमांड कर रहा है। और साथ में जो हिंट्स हैं, एसेंट्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं साटन सिल्वर फिनिश में, ये देखो। उसके साथ बात करें, चारों पावर विंडो मिल रही है और ऑटो अप ऑटो डाउन ये है, हाँ सिर्फ ड्राइवर साइड अपना ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिल जाता है। उसके साथ ये सेंटर लॉक मैनुअली करने का, ये फोल्ड करने के लिए दिए हुए हैं, ये होगा फोल्ड और साथ में ये होगा एडजस्ट करने के लिए, ठीक हो गई बात। उसके नीचे स्पीकर दिया हुआ है भाई, 1 2 3 4 स्पीकर हैं, और साथ में ट्विटर, हाँ भाई ट्विटर भी दिया हुआ है। 4+2 का म्यूज़िक सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इंडिकेटर तो बता ही दिए थे इसमें, ठीक है। ये हो गई कहानी, बॉटल होल्डर मिल रहा है, अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पर मिल जा रहा है। अब बात आती है सीट की। सीट भाई आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है बढ़िया, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया, ठीक। उसके साथ स्कूप्स अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, और भाई साथ में क्या है यहाँ पर आपको फैब्रिक के साथ ना ये मिल रहा है लेदर रेट, बिल्कुल भाई लेदर रेट प्लस फैब्रिक वाला है, मतलब इसी को लगा के रख सकते हो आप। रीज़न क्या है, क्योंकि साइड में एयर बैग आपको दे दिए हैं, इसमें ऊपर कवर चढ़ाने के लिए दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, बंदा ना चढ़ाए ज़्यादा, मारामारी ना करे, इसीलिए कंपनी ने खुद से ये वाले आपको दे दिए हैं, ठीक है। ये रहा, तो यही अपडेट हुआ है 2022 में, 4 एयर बैग आपको इसमें मिल जाते हैं, 2 पहले आते थे सामने और 2 एयर बैग ये जुड़ चुके हैं, ठीक है। अभी और भी चीज़ें हैं वो ही बताऊंगा, फिलहाल इसमें बैठते हैं अपने। तो भाई हाइट काफ़ी अच्छी फील होती है इसमें, क्योंकि 211 mm का तो अपना ग्राउंड क्लियरेंस ही हो गया, और उसके साथ साथ सीट भी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा। क्या बात, लहर जैसी आई थी अभी, अच्छा अब नहीं आई, उस समय एकदम जैसे आप अनलॉक करके इसमें बैठते हो तो यहाँ पर ऐसा एनिमेशन टाइप का आता है, ठीक है। एक बार जरा स्टार्ट ही कर लेते हैं अपने, कहाँ गया बटन, ये रहा, हो गई गाड़ी स्टार्ट, क्या बात है, रिफाइनमेंट लेवल अलग ही है यार, वाइब्रेशन फील नहीं होती, हाँ आवाज़ आती है ज़रूर है भाई, डीजल है आवाज़ तो आएगी कि इंजन स्टार्ट हुआ है। और ये अपना यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल हो चुका है ऑन, अब मैं क्लाइमेट कंट्रोल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आपको यहाँ पर मिल जाती है। आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, इसको कर लेते थोड़ा सा बंद, ये देखो ये रहा ऑटो, क्या वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से भर्राटा वर्राटा चालू कर देगा, ठीक है। और भाई देखो इसका काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड फील करवाता है इंटीरियर जो है, इस सेगमेंट में आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ हाँ अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे इसमें बैठते हैं ना ऐसा फील नहीं होता कि फैमिलियर जैसे हो इस वाले इंटीरियर से, ऐसे लगता है कि बिल्कुल अलग ही पूरी शीट पर नया डिज़ाइन किया हुआ, देखो मस्त लगता है। इस तरह के ये वेंट अपने वर्टिकल शेप में, और क्या बात है, पूरा का पूरा हर जगह जहाँ भी सिल्वर दिख रहा है आपको पूरा साटन सिल्वर फिनिश है। और ये तो हो गया पूरा यूनिट, एसी वाले बीच में हो गया हमारा हजार्ड का इंडिकेटर, ये आ गया अपना म्यूजिक सिस्टम भाई साहब, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली वर्क करेगा। और अच्छी चीज़ क्या लग रही है, पूरा जो इसका बेजल है ना, पूरा ये फ्रेम है पूरा ग्लॉसी ब्लैक में है, जो कि और ज़्यादा हाईलाइटेड फील देता है, और ये भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक ही है, इस वजह से मैच हो जाता है। और यहाँ देखते हैं ये होगा कंट्रोल्स हमारा, अगर मैनुअली हमें कुछ करना है तो ये हो गया, नहीं तो ऑटो दबा के छोड़ दो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। और आते हैं यहाँ पर, ये हो गया अपना डे नाइट मैनुअली एडजस्ट, उसके साथ ये हो गया सनग्लास होल्डर, यहाँ लैंप अच्छा हाथ से, ये ठीक है, ये हो गई येलो वाली लैंप, यहाँ देखते हैं ये टिकट होल्डर, यहाँ देखते हैं ये हो गया मिरर, और उसके अलावा क्या चीज़ बच रही है, यहाँ आते हैं भाई स्टेयरिंग अच्छा मिल रहा है, स्टेयरिंग सेल्टोस जैसे ही मिल रहा है, जैसा अपन को सेल्टोस के नीचे के बारे में मिल रहा है सेम वही शेयर हो रहा है इसमें भी। एयरबैग आगे भी 2 मिल रहे हैं, एयरबैग सीट के साइड में भी 2 मिल रहे हैं, 4 हैं। यहाँ पर होगा कंट्रोल्स हमारे वॉइस कमांड के साथ टेलीफोनी का, हमारे म्यूज़िक सिस्टम के लिए, और उसके साथ ये हो गए हमारे यहाँ पर हमारे क्लस्टर को यूज़ करने के लिए। अब क्लस्टर में क्या है, देखो यहाँ पर सुई सी आती है, ये हो गया हमारा टैको,
और उसके साथ यहाँ पर दो दो भाई यहाँ पर दे रखे हैं गेज, ये है बीच में नीचे वाला, ये सुई दिख रही है, ये हो गया अपना टेम्परेचर का और ऊपर हो गया अपना किसका, डीजल का मतलब फ्यूल का। यहाँ पर हमारी MID दिख रही है जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है तमाम, जो हमारा इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है या टेम्परेचर है, देखो 39 डिग्री हो रहा है भाई, ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। यहाँ दिख रहा है ओडो और उसके साथ चेंज करेंगे अगर तो भाई ये मिलेगा टायर प्रेशर, बिल्कुल भाई TPMS इसमें स्टैंडर्ड कर दिया गया है 2022 में, एडिशन की बात करें तो ये भी हुआ है। और इसके साथ बाकी अदर जो ये हमारी MID है बिल्कुल वही सेल्टोस वाली है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, अदर आपको अपने हिसाब से इंडिविजुअल सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको मिल रहा है डिजिटल वे में स्पीड, बिल्कुल भाई चलेगा तो यहाँ पर ये स्पीड दिखाता रहेगा। अब आती है बात स्टेयरिंग ऊपर नीचे और अच्छा सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिंग नहीं है। ये हो गया हमारा जो वाइपर है, वाइपर का कंट्रोल मैनुअल है और उसके साथ यहाँ देखते हैं लाइट्स का कंट्रोल, यह है भाई ऑटोमेटिक, बिल्कुल ये देखो ऑटो मोड दिया हुआ है, क्या बात है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वो भी हैलोजन बल्ब के साथ, कभी कभी दिखती है इस तरह की कॉम्बिनेशन वाली चीज़, लेकिन दे रखी है बढ़िया चीज़ है। यहाँ देखते हैं तो भाई फ़ोन रखने की जगह है, फ्लैट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी अच्छी खासी जगह है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB पोर्ट है हमारे इसमें इनपुट करने के लिए, उसके साथ यहाँ पर चार्जिंग का डेडिकेटेड दिया है USB पोर्ट, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, 1.5 वाला ही इंजन है जो हमारा यूनिफॉर्म हो चुका है Hyundai में, या फिर किया की बात करें, चाहे छोटी गाड़ी हो जैसे सोनेट है, चाहे बड़ी गाड़ी हो जैसे कि सेल्टोस है, सब में यही आ रहा है, लेकिन ट्यूनिंग अलग हो जाती है, मतलब पावर आउटपुट अलग हो जाएगा और माइलेज आउटपुट अलग हो जाएगा, वो अभी जब इंजन की बात होगी तब बताएंगे। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, पुल टाइप में रिवर्स होगा और नीचे भी आपको साटन सिल्वर फिनिश दी हुई है, पूरी कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं और उसके साथ ये खड़ा खड़ा मतलब मोबाइल ही खड़ा कर दो इस तरह से, वो भी जगह दी हुई है, और उसके साथ आर्म रेस्ट दिया है, अच्छी खासी जगह है और सॉफ्ट फील में है, बढ़िया। यहाँ देखते हैं ये भी स्पेस अच्छा खासा है और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं अपने आगे की, डन डन डन, ये हो गया अपना हेडलाइट के लेवल एडजस्ट करने का और बाकी इसको दोबारा दबा के कर देते हैं इंजन बंद अपने हिसाब से। हाँ मेरे हिसाब से हो गई एडजस्ट, ठीक है, पैर बिल्कुल सीधा फैल रहा है और डेड पैडल दिया हुआ है डेडिकेटेड, ABC पैडल नीचे दिए हैं, ठीक है। अब जरा चलते हैं पीछे उतरने में, यार सही में बार बार कह रहा हूँ, चढ़ने उतरने में लगता है फील होता है अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ देखते हैं तो भाई पीछे बहुत बढ़िया स्पेस है, व्हील बेस भले ही 2500 mm है लेकिन सीट्स इतनी हाइट पर लगी हुई हैं, अब कितनी हाइट पर है ये आप देखो जरा, कितनी जगह है नीचे देख रहे हो, जूते आराम से चले जाएंगे इतनी अच्छी खासी हाइट पर बैठते हैं हम। सीट पीछे की फ्लैट है बिल्कुल, अच्छी चीज़ ये है अगर अंडर थाई सपोर्ट देंगे, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा ये फील होगा, हाँ ये देखो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन भाई लेग रूम अच्छा खासा है ये देख रहे हो, थोड़ा सा इसीलिए ऐसा फील होगा आपको कि हाँ नीचे से सपोर्ट कम मिल रहा है, लेकिन जब बाकी चीज़ें होती है तो हो जाती है मैनेज। 3 बंदों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़ा सा भिचे जाते हैं, लेकिन 2 बंदे होंगे फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, पैर फैल जाते हैं ना इस वजह से। यहाँ देखते हैं तो भाई पीछे भी सराउंडिंग वही सिल्वर साटन फिनिश दी हुई है, AC वेंट है, नीचे देखते हैं तो मिल रहा है USB पोर्ट, साथ में फ़ोन रखने की जगह है, हम पर ज़्यादा ऊँचा नहीं है, ठीक है। पीछे आपको पॉकेट भी, अरे पॉकेट नहीं दी हुई भाई, नहीं है तो उधर तो है, अच्छा एक ही साइड है क्या, हाँ बस एक ही साइड, उधर की साइड ही दी हुई है पॉकेट, इधर नहीं दी हुई। चलो यहाँ दिया है आपको सेकेंडरी लैंप और क्वार्टर ला देखो कितना छोटा सा अंदर से फील होता है, लेकिन जब सिर रखते हैं ना क्वार्टर जो हमारा विजन आता है उसमें बहुत सही काम करता है छोटा सा भी। पीछे आर्मरेस्ट दिया नहीं हुआ, फिक्स आपको दे रखे हेडरेस्ट, ठीक है, ये हो गई कहानी यहाँ की। और वैसे बहुत सही है, लेग रूम वगैरह और नी रूम बहुत सही है, बस थोड़ी सी अंडर थाई सपोर्ट में हल्का सा कम है। यहाँ देखते हैं तो आपको बॉटल होल्डर मिल रहा है और भाई पावर विंडो हो गई, ग्रिल हो गई, हाँ सब कुछ ओके है, इसको करते हैं बंद। अब आती है बात बूट स्पेस की, इसको खोलते हैं तो भाई ये मिल रहा है अपन को बूट स्पेस, कितना ही मतलब बढ़िया सा दिख रहा है यार, गाड़ी के हिसाब से तो काफ़ी सही है, 392 लीटर 392 लीटर का मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और बात करें लैंप की, लैंप नहीं है भाई इसमें, लैंप नहीं है, यहाँ हुक मिल रहा है आपको और सीट पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती है, 60-40 नहीं है, पार्सल ट्रे मिल जा रही है और बाकी यहाँ देखते हैं कहाँ गया ये रहा, ये मिल रहा है आपको 195/65R15 15 इंच का स्पेयर व्हील, इसको कर देते हैं अब यहाँ से बंद, पूरी ट्रिम दी है हार्ड प्लास्टिक की, हो गया हैंडल और ये हो गया बंद, ठीक है। तो ये हो गई अंदर बाहर की पूरी कहानी इंटीरियर एक्सटीरियर की, दोबारा से बता रहा हूँ 2022 किया सोनेट STK प्लस वेरिएंट है, बात करें डीजल में पेट्रोल में दोनों में आता है, डीजल की अगर बात करें तो ये पड़ता है आपको 10,35,000 रुपये एक शोरूम का, और अगर बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल में पड़ता है आपको 9,05,000 रुपये का एक शोरूम का, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। अब आती है बात कहाँ की, बोनट की, इसको खोलते हैं अपने,
ये भी ठीक ठाक भारी है भाई। इसमें यहाँ पर देखो क्लाइडिंग वगैरह नहीं यूज़ कर रखी क्योंकि इसकी ट्यूनिंग हल्की है। थोड़ा सा जो ग्रंट बड़ी पावर वाले में आता है, बड़ी पावर छोटी पावर कितनी है भाई, इंजन तो वही है 1.5 लीटर वाला चार सिलेंडर वाला डीजल, लेकिन इसमें है 99 bhp की पावर बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर यह नहीं दिया। तो उसमें जो 114 NM वाली पावर का आता है जो सोनेट में यूज़ होता है जिस ट्यूनिंग के साथ, उसमें थोड़ा ग्रंट ज़्यादा है इसीलिए। और माइलेज सबसे बड़ी चीज़ है, माइलेज वो प्लस पॉइंट हो जाता है, 24.1 का भाई माइलेज क्लेम करती है कंपनी, क्या बात है। और दे भी देती है यार, 24-25 का निकाल देती है अच्छे से चलाते हैं अगर। ABS विद EBD इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है, ठीक है, और उसके साथ और इंजन की परफॉर्मेंस तो अच्छी है। और बाकी चीज़ें आपको सारी गिनाई दी हैं, क्या क्या 2022 में जो अपडेट हुआ है अपना वो है STK प्लस वेरिएंट था, और क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं अपनी, एयरबैग चार हो चुका, पहले दो आते थे, साइड एयरबैग भी आ गए सीट्स में, और उसके साथ ABS EBD स्टैंडर्ड हैं, और उसके साथ TPMS इसमें ऐड हो चुका है, और बाकी आपको फीचर्स दिख ही रहे हैं। देखने में गाड़ी मस्त लगती है और ओवरऑल अच्छी खासी डिमांड ये लिए हुए है क्योंकि दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं। इसे पेट्रोल चाहिए वो अपने 1.25 लाख रुपये बचा के भाई पेट्रोल ले ले, कम रनिंग वाले ज़्यादा रनिंग वाले जिसे है भाई माइलेज 24 की मिल जाएगी और 1.25 लाख ऊपर देकर मतलब 12.5 लाख रुपये करीब में आपको डीजल वाली ऑन रोड पड़ जाती है, और क्या ही चाहिए। तो भाई इस तरह से हो जाती है भाई गाड़ी कंप्लीट। गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।